वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस आज मैं लेकर आया हूं संजीवना का पार्ट थर्ड जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस कंसेप्ट को एसिड बेस कंसेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आरहेनियस कंसेप्ट आरहेनियस कंसेप्ट आरहेनियस ने ये कहा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व कर दें यानी इसका एक्वा सोल्यूशन बना दें और एक्वा सोल्यूशन बनाने पर वो हाइड्रोजन आयन फर्निश कर दे या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे that is acid. In definition, a substance that furnish hydrogen ion in its aqueous solution known as acid. नॉन एज एसिड यानी जो अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा उसे हम बोलेंगे एसिड एंड ए सबस्ट एंड ए सबस्ट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन ओ OH एच माइनस एच प्लस फर्निश करने वाला एसिड हाइड्रोक्साइड आयन इन इट्स एक्वे सॉल्यूशन एक्वाज सॉल्यूशन नॉन एज बेस ये आर एन एस की सिंपल थ्योरी थी जिसमें सिंपल था एक आ गया कि एक्वा में सब्सटेंस को डिजोल्व कर दो डिजोल्व करने पर अगर वो हाइड्रोजन आइन देता है तो वो कहलाएगा एसिड और वो हाइड्रोजन आइन अगर फर्निश कर रहा है तो वो कहलाएगा बेस जैसे एच सी एल एच सी एल वाटर में डिजोल्व करें तो ये मैं देगा एच प्लस एंड सी एल माइनस जैसे इसने एच प्लस एन फर्निश किया तो आर एन ने इसे बोल दिया एसिड ठीक है इसके NaOH. NaOH को वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये देगा मैं एन ए प्लस एन प्लस ओ एच माइनस ओ एच माइनस देने के साथ में इसे हम बोलते हैं बेस यानी एसिड और बेस का सिंपल कंसेप्ट ये था एक्वा सोल्यूशन में प्लस देने वाला एसिड एक्वा सोल्यूशन में ओ एच माइनस देने वाला बेस अब इस कंसेप्ट के थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर इट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट्स एक्वस सोल्यूशन यानी नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो अगर अपना एक्व सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस आरिस कंसेप्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा एसिडिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे सीओ टू इसको वाटर में डिजोल्व करके पहले इसका एक्वा सॉल्यूशन बना ले सी ओ टू प्लस एच टू गिव एच टू सीओ थ्री ये कंडीशन हमारे पास में होगी एक्वस अभी आयोनाइज होगा एच प्लस एन प्लस एच थ्री माइनस तो एच प्लस रिलीज करने के साथ इसका नेचर कैसा हो गया एसिडिक ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट एक्सप्लेन एक्सप्लेन बेसिक नेचर बेसिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बेसिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड जैसे NH3 थ्री नॉन मेटेलिक हाइड्राइड अब ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड में भी ध्यान रखना है हाइड्राइड कौन सा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस कोवेलेंट हाइड्राइड प्लस एच टू इसका एक्वा सोल्यूशन बन गया एन एच और ओ एच वाटर में ये अमोनिया अमोनियम सेपरेट करेगा और साथ में हाइड्रोक्साटाइन को फ्री कर देगा तो हाइड्रोक्साइड फ्री करने के साथ में इसका नेचर कैसा हो गया बेसिक नेचर कैसा हो गया बेसिक थर्ड कंडीशन इट एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन बेसिक नेचर बेसिक नेचर ऑफ मैटेलिक बेसिक नेचर ऑफ मैटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड सी ए कैल्शियम इज मेटल ऑक्साइड बना ले कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में देगा सी ए प्लस टू प्लस टू ओ एच माइनस टू ओ एच माइनस जैसे हाइड्रोक्साइड रिलीज हुआ तो इसका नेचर कौन सा हो गया बेसिक तो आर एन एस के थ्रू हमें पॉइंट कौन कौन से पता लगते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर नॉन टेलिक हाइड्राइड का बेसिक नेचर मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर बट वाटर जो है वो अपने एक्वा सोल्यूशन में क्या करेगा एच प्लस रिलीज करेगा और ओ एच माइनस भी रिलीज करेगा तो वाटर के लिए हमारे पास पॉइंट यह रहेगा एच टू ओ इन एच टू ओ गि एच प्लस प्लस ओ एच माइनस वाटर क्या करेगा एच प्लस रिलीज करेगा और ओ एच माइनस रिलीज करेगा एच प्लस रिलीज करने के भी पर नेचर कौन सा हो गया एसिडिक एच माइनस रिलीज करने के व्याप पे नेचर हो गया बेसिक अब दोनों ही नेचर एक ही सब्सटेंस के अंदर है जहां पर दोनों नेचर शो कर दे उसको उसने बोल दिया एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक अकॉर्डिंग टू आरहेनियस वाटर इज एम्फोटेरिक वाटर इज एम्फोटेरिक बट अकॉर्डिंग टू आरहेनियस साइंटिस्ट चेंज हुआ ब्रॉन्स टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट आया तो उसने वाटर की जो थ्योरी है वो एम्फोटेरिक की जगह बताई एम्फोप्लोटिक तो आर एन एस में आपको ये सिंपल से कंसेप्ट ध्यान रखने है एक्वा सोल्यूशन चाहिए पहली बात तो हाइड्रोचनाइन फर्निश करेगा तो एसिड ओ एच माइनस फर्निश करेगा तो बेस कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिलेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है हमारे पास है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उसका एसिडिक नेचर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड का बेसिक नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड का हमारे पास में बेसिक नेचर और वाटर को वाटर में डिजोल्व करोगे तो दोनों नेचर होंगे जिसके अकॉर्डिंग इसे मैंने बोल दिया फोर अब आर इनिस फेल क्यों हुआ ऐसे बहुत से कंपोनेंट थे जो एक्वा सॉल्यूशन में ना तो प्लस रिलीज कर पा रहे थे और ना ही ओ एच माइनस रिलीज कर पा रहे थे तो उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम ये बोल सकते हैं टू एक्सप्लेन एट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक बी एफ थ्री एल एल सी एल थ्री इन एक्वस सोल्यूशन अब ये कंसेप्ट फेल हो गया था इसके लिए फिर साइंटिस्ट आए ब्रॉन्सर्ट, ब्रॉन्सटेंट एंड लॉरी उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी थी इसे कॉपी कीजिए फिर नेक्स्ट थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं अब आर एन एस के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉस्टेड एंड लॉरी ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट अब इन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी थी प्रोटोनिक कंडीशन के भी पर प्रोटोन डोनर प्रोटोन इज एच प्लस प्रोटोन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एसेप्टर प्रोटॉन एसेप्टर इज बेस सिंपल सा कंसेप्ट था प्रोटॉन के भी आप पर लाइक एग्जांपल, HCl प्लस एनएस थ्री एच सी एल प्लस थ्री इन दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कहां से मिलेगा एच सी एल से तो एच सी एल अपना प्रोटॉन दे देगा एनएस थ्री को प्रोटॉन दोन देने के बाद में इसके पास कंडीशन बन जाएगी एल माइनस और ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो कंडीशन आएगी एन एच फोर प्लस अब प्रोटोन डोनर कौन है हमारे पास में प्रोटोन डोनर इज एसिड तो ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो इसका नेचर हो गया एसिड ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है इसका नेचर हो गया बेस कोई भी एसिड अपना जब प्रोटोन डोनेट कर देगा तो बनने वाला सब्सटेंस जो है वो कहलाएगा बेस और प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड नेचर में किसी भी रिएक्शन के अंदर एसिड बेस के दो पेयर मिलेंगे हमें ठीक है तो इन्हें हम बोलते कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इस एसिड का कॉन्जुगेट हो गया ये बेस एंड इस बेस का कॉन्जुगेट हो गया एसिड तो ये कंडीशन हो गई कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड बेस के दो पेयर होंगे हमेशा एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए अगर मैं एन एस थ्री की रिएक्शन कर देता हूँ वाटर से एच टू से तो यहाँ पर एच प्लस कौन देगा एच टू के एच टू तो हमारे पास दोनों नीचे रखता है तो कंडीशन कन्वर्ट किस में जाएगी ओ एच माइनस एन प्लस एन एस और प्लस ये कंडीशन बन जाएगी तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो बन गया एसिड इसने एक्सेप्ट किया तो बेस इस एसिड का कॉन्जुगेट क्या बन गया ओ एच माइनस इस बेस का कॉन्जुकेट बन जाएगा एन एस प्लस ये नेचर हो गया एसिडिक ठीक है लेकिन इस वाटर को अगर मैं एच के साथ लेकर जाऊं एच सी एल प्लस एच टू तो इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसके होंगे एच के तो ये इजिली डोनेट करेगा ये डोनेट करेगा डोनेट करने के बाद में एच कन्वर्ट हो जाएगा सी माइनस में और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा एच में तो इस एच सी एल यहां पर एसिडिक इस एसिड का कॉन्जुगेट बन गया बेस और यह बेस इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा एसिड तो ब्रॉन्सटैंड ने सिंपल सी कंडीशन है लाइव की प्रोटॉन डोनर इज एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस ये कंडीशन हमें याद रखनी है इसके साथ हमें यह याद रखना है एसिड अगर प्रोटॉन डोनेट कर दे अगर प्रोटॉन डोनेट कर दे तो फिर यह कन्वर्ट हो जाएगा बेस में एंड बेस अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फिर एग्जांपल देखिए एच थ्री पीओ फोर यह अपना प्रोटॉन अगर डोनेट करता है तो कन्वर्ट किस में होगा एच टू पीओ फोर माइनस में ये फिर अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे कन्वर्ट हो जाएगा एच पी ओ फोर माइनस टू में फिर अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर दे तो कन्वर्ट किस में होगा पी ओ फोर माइनस थ्री में अब इसके पास में कोई भी एच प्लस नहीं है तो ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका नेचर हमेशा क्या होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का तो एक्सेप्टिंग कंडीशन की भी पर इसका नेचर हमेशा क्या होगा बेसिक ये हमेशा डोनेट करेगा तो इसका नेचर क्या होगा एसिडिक अब मान लो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट किस में हो गया एच पीओ फोर माइनस टू में ये भी प्रोटोन डोनेट कर ले और कन्वर्ट किस में हो गया एच टू पीओ फोर माइनस में ये भी प्रोटोन डोनेट कर दे एक्सेप्ट कर ले तो कन्वर्ट किस में जाएगा एच थ्री पीओ फोर में तो यहां पर देखिए कंडीशन पीओ फोर माइनस थ्री जो है यह सिर्फ प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है डोनेट नहीं कर सकता लेकिन एच पी ओ फोर माइनस टू एंड एच टू पीओ फोर माइनस ये प्रोटोन डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट के साथ साथ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं एमफी प्रोटिक उन्हें क्या बोलेंगे एमफी प्रोटिक जो प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से एक पॉइंट आपको याद रखना है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए एच सी एल ओ फोर एच सी एल ओ थ्री एच सी एल ओ टू एंड एच सी एल ओ मैं इनमें सेंट्रल एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूँ तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन यहाँ पर प्लस फाइव यहाँ प्लस थ्री यहां कितना होगा प्लस वन अब एक पॉइंट हमें याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ये पॉइंट हमें याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ठीक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किसका है HClO4 का तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसमें ये हमारा ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं इसको ए एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अगर ये सब अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे सब अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे डोनेट करते कन्वर्ट किस में जाएंगे सीएलओ फोर माइनस में सीएलओ थ्री माइनस एलओ टू माइनस एंड सीएल में तो ऑक्सीडेशन नंबर पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं ऑक्सीडेशन नंबर तो वही रहेंगे लेकिन हमने एसिडिक स्ट्रेंथ जो लिखी है उसमें देखिए ये हमारा स्ट्रॉग एसिड है ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है और ये हमारा वीक एसिड है ठीक है एसिड का कॉन्जुकेट क्या बनता हमेशा बेस एसिड का कॉन्जुकेट क्या बनेगा बेस यहां पर भी एसिड का कॉन्जुकेट क्या बनेगा बेस जिस तरह से एसिड का कॉन्जुकेट बेस बनता है वैसे स्ट्रॉग का कॉन्जुकेट होता है वीक तो स्ट्रॉ एसिड का कॉन्जुक्यूट क्या बन गया वीक बेस और वीक एसिड का क्या बन गया बेस तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा सीएल का और बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा सीएल फोर माइनस कैरेक्टर का ऑर्डर होगा तो लेता हूं बेसिक स्ट्रेंथ बी एस ठीक है तो ऊपर हमने वो तो कंडीशन लिखी थी कि एसिड अगर प्रोटॉन डोनेट कर दे तो किस में आएगा बेस में तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रोंग का कॉन्जुकेट क्या बन जाएगा हमारे पास में वीक एंड वीक का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ठीक है एक पॉइंट आपका पॉइंटिशन एग्जाम में ये काम करेगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है सेम ऑक्सी एसिड से तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी एक पॉइंट और बता देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सेंट्रल एटम इनमें तीन हमारे पास में एक्सेप्शन रहते हैं फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड इनके अलावा देखिए एच टू एसओ फोर और एच सी एल ओ फोर अपने आप में दोनों स्ट्रांग एसिड है लेकिन हमें यहाँ पर ये चेक करना है सल्फर और क्लोरीन में ई e एन वैल्यू ज्यादा किसकी है तो ई e एन वैल्यू ज्यादा किसकी है क्लोरीन की तो क्लोरीन ईजिली अपना क्या करेगा प्रोटोन डोनेट करेगा प्रोटोन डोनेट करेगा तो ये एसिडिक ही करेक्ट रखेगा इसके रेस्पेक्ट में इसका नेचर क्या हो जाएगा बेसिक है ये एसिड ध्यान रखना लेकिन तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया बेसिक कन्वर्ट करने के बाद में ये बन जाएगा सी एल ओ फोर माइनस और यहाँ आ जाएगा एच थ्री एस ओ फोर प्लस तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया बेस में और ये कंडीशन आ गई एसिड में देन एच सी एल ओ फोर का कॉन्जुकेट बन गया सी एल ओ फोर माइनस एन एच टू एस ओ फोर का कॉन्जुकेट बन गया एच थ्री एस ओ फोर प्लस तो ये भी कॉन्जुकेट एसिड बेस पेयर रहेंगे अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कंसेप्ट बताया काफ़ी कंपाउंड्स में एप्लीकेबल भी रहा लेकिन यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई ऐसे बहुत से संस्थान थे जो ना तो प्रोटोन डोनेट कर पा रहे थे ना प्रोटोन एक्सेप्ट कर पा रहे थे लाइक ग्रुप थर्टीन के हेलाइट्स बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री ए एल एफ थ्री ये ना तो प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं ना ही प्रोटोन डोनेट करते हैं तो उनके एसिडिक के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में ब्रॉस्टेड लॉरी कंसेप्ट भी फेल हो गया था फिर हमारे पास आया था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट तो पहले इसको कॉपी कीजिए फिर थर्ड कंसेप्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अब हमने थर्ड कंसेप्ट को बढ़ते हैं लुइस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अब लुइस ने क्या किया ना तो एच प्लस को देखा ना ओ एच माइनस देखा ना प्रोटोनिक कंडीशन देखी इसने अपना कंसेप्ट दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी आप पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर अब यहां पे अच्छे से देख लेना डोनर जो है वो क्या होगा हमारे पास बेस जबकि ब्रॉस्टेड ने बोला था प्रोटॉन डोनर इज एसिड यहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस बट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसेप्टर इज एसिड कंडीशन में अच्छे से याद रखनी है लोन पे डोनर कौन होगा बेस और लोन पे एक्सेप्टर कौन होगा एसिड एनएस थ्री एनएस बी एफ थ्री बी एफ थ्री बोरोन के आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन तीन की शेयरिंग करेगा फ्लोरिन से तो टोटल तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सिक्स अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो एन एस थ्री क्या करेगा अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और लोन पे डोनर कौन है बेस तो इसका नेचर हो गया बेस और एक्सेप्ट करने वाला कौन हो गया एसिड तो कंडीशन हमारे पास आएगी एन एस थ्री बी एफ थ्री ठीक है अब ये दोनों आपस में अटैच किस्स होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल एरो इसका मीनिंग क्या होगा इसने अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है लेकिन कंप्लीटली डोनेट नहीं किया है ये कॉम्बिनेशन में रहेंगे ठीक है डायरेक्शन जो होती है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कॉर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डायरेक्शन रहेगी डोनर टू एसेप्टर डायरेक्शन क्या जाएगी डोनर टू एसेप्टर अब लुइस ने ये एक सिंपल सी थ्योरी दी थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड लॉन पे डोनर इज बेस एंड लॉन पे एसेप्टर इज एसिड अब टाइप्स ऑफ एसिड्स एस यानी लुइस ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया कैसे बचाने के कौन सा लुइस एसिड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते टाइप्स ऑफ लुइस एसिड तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन मोलिक्यूल मॉलिक्यूल हुट्रल एटम हु इज सेंट्रल एटम हैज इनकंप्लीट इनकंप्लीट ऑक्टेट यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट है वो हमेशा लोइस एसिड की कैटेगरी में जाएंगे जैसे देख ले बी एफ थ्री अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था बोरोन के आउटर मोस्ट में आउटर मोस्ट शैल में तीन इलेक्ट्रॉन तीन की शेयरिंग रहेगा फ्लोरिन से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इसका नेचर कैसा हो गया लुइस एसिड ऐसे ही एल एफ थ्री इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन बी सी -E एल टू इसको मैं काउंट करूँगा कितने आएंगे फोर इलेक्ट्रॉन तो इन सब का नेचर कैसा रहेगा एसिडिक नेचर सेकेंड कंडीशन मोलिक्यूल होज सेंटल एटम सेंटल एटम वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी नेचर कैसा रखेंगे लुइस एसिड जैसे पीसीएल थ्री वैकेंट डी ऑर्बिटल भी रखता है पीसीएल फाइव भी आ सकता है ठीक है इसके अलावा हम काउंट कर सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर भी क्या होता है वैकेंडी ऑर्बिटल लगता है PS3 इसको भी हम काउंट करते हैं फॉस्फिन वैसे नेचर बेसिक रखता है लेकिन वैकेंडी ऑर्बिटल पड़े हैं. तो वैकेंडी ऑर्बिटल की भी आप पर हम इसको काउंट कर सकते हैं एसिडी कैरेक्टर में थर्ड कंडीशन ऑल कैटाइंस ऑल कैटाइंस ऑल कैटाइंस तो यहां पर देखिए Na plus. सी ए प्लस टू जेड एन प्लस टू एच थ्री ओ प्लस आप खुद देखना आर और ब्राउन स्टैंड में जहां जहा कैटाइनी कंडीशन आई है वहां पे नीचे हमने एसिडी लिखा है एच थ्री ओ प्लस एन एस फोर प्लस एटसेट्रा एंड फोर्थ कंडीशन मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम अटैच्ड अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाय मल्टीपल बॉन्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाइक सी ओ टू तो कंडीशन क्या रहेगी ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल हो सेंट्रल आइटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन में ई एन वैल्यू ज्यादा किसकी होती है ऑक्सीजन की बाय मल्टीपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारे पास में क्या रह गया लुइस एसिड इस तरह एसओ को भी काउंट कर सकते हैं एसओ को भी काउंट कर सकते हैं तो हमें एसिड के अंदर लुइस एसिड में चार पॉइंट याद रखने पहला पॉइंट क्या रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट दूसरा पॉइंट वैकेंट डी और थर्ड ऑल कैटाइंस एंड फोर्थ सेंट्रल एटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाय मल्टीपल बॉन्ड ये हमारे थे लुइस एसिड अब नेक्स्ट हमारे पास में लुइस बेस तो यहां लिखा लुइस बेस फर्स्ट हमारे पास कंडीशन रहेगी मॉलिक्यूल के सेंट्रल सेंट्रल एटम के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यानी मॉलिक्यूल, हो सेंट्रल एटम हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आर एन एस टू ठीक है तो यहां पे नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है एनएस थ्री नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर आर ओ आर ओ आर ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है हमारे पास में तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए लुइस बेस के नेक्स्ट कंडीशन ऑल एनाइन जैसे कैटाइन हमारे लुइस एसिड थे तो सारे सारे एनाइन जो है वो सारे होंगे लुइस बेस जैसे सी एल माइनस सी एन माइनस ओ एच माइनस इसके अलावा हमारे पास में कोई सब सांजुकेट काउंट करें तो कॉन्जुकेट देखो एसिडेट आयन सी एस थ्री सी ओ माइनस जितने भी कॉन्जुकेट में एनआईन बनेंगे वो सारे सारे लुइस बेस की तरह बिहेव करेंगे तो ये हमारे थी थ्योरी एसिड एंड बेस कंसेप्ट आपको तीनों थ्योरी अच्छे से याद रखनी है आर एन एस अकॉर्डिंग टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस ब्रॉन्स स्टैंड अकॉर्डिंग टू प्रोटोन एंड लुइस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुइस एसिड की चार कैटेगरी लुइस बेस की दो कैटेगरी आपको अच्छे से याद रखनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन मिलने के आपके चांसेस रहते हैं इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए थैंक यू सो मच